आज हम दो चीज़ लेकर आए हैं। एक ये मैश रोलिंग कार्ट, इस ये मैंने बहुत पहले का दिखा हुआ था बट हमारे कॉस्को में नहीं मिल रहा था, सो ये फाइनली मिल गया है एंड हम ले आए हैं। तो इसको अभी इंस्टॉल करने वाले हैं हम। और एक है ये भी चेयर, ये वाइट कलर में थी बहुत टाइम से, अभी फाइनली ब्लैक कलर में आ गई है। सो इसको करेंगे, खोलेंगे एंड ये प्रियंका की ऑफिस चेयर बेसिकली है, तो इसको लगाएंगे और फिर ये, तो ये हम लगाएंगे हमारा ये वाला जो एरिया है, हमारा ये वाला जो एरिया है, ये जो बास्केट है यहाँ पे, क्योंकि ये बास्केट मुझे बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से पसंद थी नहीं इतना, क्योंकि ये हैंग होती है ऐसे एक साइड पे नीचे, तो वो मुझे सही नहीं लग रहा था। और प्लस उसमें ऊपर टॉप में वो है बोर्ड है, तो यहाँ पे वो रख सकते हैं हम लोग एयर फ्रायर या फिर और कुछ। सो देखते हैं अभी वो कैसा लगेगा, तो पहले तो अभी ये ऐसा लग रहा है, उसको लगा के देखेंगे कैसा लगेगा। तो ये है हमारा ड्रॉइंग कार्ड, लग तो ऐसा रहा है शायद कि एक्सपेक्टेड है कि वो आएगा बना हुआ, बट शायद है नहीं, है ना, अलग अलग है। हाँ पूरा अलग अलग है, तो फिर इतने बड़े डब्बे में क्यों दिया है? आई थिंक वो पूरा फ्रेम साइज दे दिया है, ये बने हुए हैं फ्रेम, है ना, देखो, हाँ ये देखो फ्रेम बने हुए हैं इतने बड़े, इसीलिए वो इतना बड़ा है, दोनों साइड के फ्रेम बने हुए हैं। और बाकी इसमें तो कुछ नहीं है, फटाक से हो जाएगा, सिर्फ ये लगाना है। चलो फिर अब बनाते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये फ्रेम बना लिया है, तो ये अलग अलग आए थे ये फ्रेम, और ये चार अलग आए थे, ये वाले तो इनको मस्त ऐसा स्क्रू से कनेक्ट कर दिया। देन ये इसके ऊपर रखने वाला ये बोर्ड है, ये कनेक्ट होगा ये स्क्रू से यहाँ पे ऊपर, और फिर ये जो बास्केट हैं ये जाएंगे इसमें अंदर, तो ये कुछ वैसा दिखेगा फिर। सो ये बोर्ड लग गया है एंड इट इज वेरी और अब इसमें वो बास्केट जाएंगे। ये रेडी हो गया है एंड दिस इज द लास्ट बास्केट कमिंग। डन, अब ये देखते हैं वहां पे कैसा लगेगा। तो इस जगह पे एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे रखें, या फिर एक तरीका है कि इसको घुमा के ऐसे रखें। देखते हैं अभी कितना है, कितना बार सामने रहेगा। हाँ और विजिबिलिटी के लिए यहाँ बोलना हो तो पीछे, फिर यहाँ से कुछ भी हो सकता है। शायद पहले ये यहाँ रखा था, अब देखते हैं उसके ऊपर कैसा लगेगा। सो फाइनली वी डिसाइडेड कि हम ऐसे रखेंगे, और इस पर अभी एयर फ्रायर रख के देख रहे हैं कि वो कैसा लगेगा यहाँ पे। एयर फ्रायर को ऐसा, हाँ क्योंकि इसका गेट ऐसा है ना, अब पता है वैसा आने लग गया है। हाँ तो ये रहे हमारे आलू और ये रही प्याज, तो अभी इसमें आ जाएगा आराम से, फैल के सांस लेंगे। तीन वाले हलवे में गंदे वाले हैं, तो वो देसी हलवे में ना तो कचरा कर सकते हैं थोड़ा, है ना। नहीं मतलब उस केस में भी तो काय पे कचरा करेंगे, मतलब नीचे करेंगे ऐसा क्यों, छोटा छोटा है वो, बहुत जाली तो जाएगा नहीं उसमें नीचे, इतना बारीक थोड़ी होता है कुछ। सो इट्स -6 आउटसाइड एंड फील्स लाइक -8 or 11, और हमारा ये जो पॉन्ड है
वो पूरा जम गया है, ऐसे देख के समझ में नहीं आएगा। बेचारी मछलियाँ नीचे हैं एकदम, नीचे का पानी तो थोड़ा कंपैरेटिवली गर्म रहता है, काफी मोटी लेयर है। हाँ हाँ तुरंत तो नहीं पिघलेगी, बट हाँ अब कल कांच काफी मोटी है यार ये। हाँ भाई आइस बात चैलेंज हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये थिक है इसलिए वो टूट भी नहीं रही है ना। फेंक दो तुम चप्पल, तो कुछ तो पहन लेते, ठंडा नहीं लग रहा है। तुम तो ग्रास पे सही है क्या पता नहीं, इस पे तो पिघल जाएगा, ग्रास पे क्यों उठा रहे। हाँ बाप रे एज इट इज निकल गया, कितनी थिक है ये, मतलब एक गोरिल्ला ग्लास टाइप नहीं। थोड़ा स्लो ही फेंको, आवाज बहुत तेज आ रही है। ये हो गया हमारा पॉन्ड क्लियर, अब मछलियाँ धीरे धीरे आएंगी जब ये पूरा ऊपर का पानी गर्म हो जाएगा। वैसे तो इतना जल्दी गर्म होगा नहीं, आज हम लोग वो लाने वाले हैं हीटिंग वाला कुछ तो डिवाइस फिश पॉन्ड के लिए, देखते हैं और मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे ताकि हमारी फिशेज बढ़िया से रहें। और वहाँ देख के ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसी ने कांच तोड़े हैं। तो आज हम लोग लेकर आए हैं ये शू रैक, बेसिकली शू बॉक्सेस हैं ये, तो एक बॉक्स में चार बॉक्सेस हैं, तो बनाएंगे इसको, एक वाला मैंने निकाल दिया, तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है, इसको देख के बनाते हैं। और ये दिखने में ऐसे बन जाएंगे ये बॉक्सेस, कुछ ये जो बॉक्सेस हैं वो ऐसे बन जाएंगे, तो इसमें रख लो आराम से। और ये है तो ये स्टेप करने के लिए, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, मुझे लगता है सिंपल ही है, बन जाएगा फटाक से। तो इसको खोलते हैं पहले तो, फिर उसके बाद उसको बनाएंगे। सो इसको बनाना एक्चुअल में उतना इजी है नहीं जितना हमें लग रहा था, कि हमने रेफरेंस के लिए शूज रख लिए अभी, तो इतना बन के रेडी है। इट्स लाइक चार चार वाले तीन लाइन हो गई हैं, ये अभी लास्ट चल रहा है, कुछ वहाँ रखे हुए बने हुए, तो इसको ना लगाना एक्चुअली बस कनेक्ट ही करना है, इसमें कोई स्क्रू नहीं है कुछ नहीं है। बट दिक्कत ये है कि उसको अगर आपने सही नहीं रखा तो उसका जो ओपनिंग है वो ऊपर नीचे जाता है, तो उससे जो गड़बड़ हुई हमारे साथ, और वो हमने फिर वहाँ रख दिए हैं अभी अलग से, तीन बार ऐसा हो चुका है। सो इसका सही तरीका जो है वो तीन बार गड़बड़ करने के बाद समझ में आया। सो यहाँ अभी ये बन रहा है, डी में ऐड होना है वो, तीन बार गलत करने के बाद भी अभी भी कंफ्यूजन ही है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये ऐसे अटैच हो गया, ये इसमें लगाया, ये होना, इसकी लॉक बहुत ज्यादा टाइट है, मतलब एक बार अगर लॉक हो गया तो वो निकल नहीं रहा है भाई, वो बहुत, मतलब अभी तक हमने कोशिश की कि वो चेंज हो जाए तो वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो चेंज मतलब खुल ही नहीं रहा है, तो चेंज क्या होगा। तो ये ऐसा बन रहा है, अभी ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, और इसको फुल प्रेशर से उसको प्रेस करने के बाद फिर वो लॉक होता है, ये मतलब ये साउंड आया लॉक वाला लाइक दिस, तो मतलब लॉक हो गया। एंड ये हो गया रेडी,
डन, ये यहाँ से ओपन होगा। एक्चुअली इसमें टू साइड ओपनिंग है तो वैसा हो गया। इट्स फाइनली रेडी, अब इसको बाहर लगाएंगे, देन मैं दिखाऊंगी। ये बन के हो गया है रेडी, इधर भी रखा हुआ है। हमारे शूज पहले ऐसे रखे थे, इसको भी हमने हटा के यहाँ पे रखेंगे। सो वी आर प्लेसिंग द फर्स्ट वन, और ऐसे ही ये तीन लाइन बना देंगे। सो वी पुट दिस शीट डाउन देयर ताकि नीचे से कोई स्क्रैचेस अगर रखना है। सो इसको करते हैं पाइल अप। तो ये फायदा होता है अगर बना के रख दो तो, इट्स जस्ट प्लग एंड प्ले वाली चीज है। और एक बार जो सेट हो जाएगा फिर वैसा सेट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट है, उससे अच्छा है कि वो जगह उतना स्पेशियस दिखेगा, है ना, पूरा ऐसा, क्योंकि बैकग्राउंड दिख रहा है। तो अभी हम लोगों ने कुछ शो भी मंगाया है, एक शो ऑर्गेनाइजर में वो होता है जो कि एक जिसमें एक ही साइड पे ही दो आ जाते हैं। सो लेट्स सी वो कैसा आएगा। ये तो ऐसा है, अभी वो स्टेबल हो जाएगा क्योंकि जब शूज रखेंगे ना तो उन पे वेट आएगा। तो सो ये हो गया है यहाँ पे सेट। ये सारे शूज इस पे जाएंगे और फिर दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। सो ये है, हमारे सारे शूज आ गए हैं इसमें। Currently it's looking like this. सारे जो कम यूज़ करते हैं या नहीं यूज़ करते हैं वाली नीचे, उसके बाद इंडियंस या इंडियन वेयर के साथ जो पहनते हैं, उसके बाद थोड़े अलग अलग लेवल पर, सबसे ऊपर जो है वो स्लीपर और क्रॉक्स वगैरह। सो मैं अपने पहनी हुई फिलहाल, तो मैंने नहीं रखा। तो ये था बिफोर और ये है आफ्टर। कैसा लगा? मैं एक्चुअली बाद में जो क्लीन अप किया था यहाँ का पूरा, उसके बाद मैं बनाना भूल गई थी वीडियो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तभी ऐड हो गई हैं। बट हाँ, बहुत हद तक क्लीन हो गया है हमारा। ये ऐसा हो गया है, अब यहाँ पे काफ़ी जगह हो गई है। यहाँ पे वो सामान है जो भी आया है और वो इधर उधर सेट होना है, जैसे मिट्टी वगैरह सारी चीज़ें। सो हमारा गैराज बेसिकली ऐसा हो गया है, एकदम क्लीन। ये थोड़ा बहुत एडिशनल तो चलता रहता है इधर उधर। ये लाइन इज लाइक एडिशनल चीज़ें जो आती हैं वो हम यहाँ रखते हैं, फिर इसके बाद वो अपने अपने उसके अकॉर्डिंग कि कहाँ क्या जाएगा वो फिर उस हिसाब से चला जाता है। सही है।